महाराज जी के वाणी में सिर्फ नाम में ही सरस्वती नहीं, वाणी में भी। तो आपने इस क्षेत्र को ऐसा बनाया जिससे पूरी दुनिया यहाँ आने लगी। देखिए गंगा जी तो सब जगह, ऋषिकेश में एक जगह, मगर यहाँ क्या है, कहते हैं कि स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। तो यहाँ पर जब हवन हो रहा है, महाराज जी बैठे हैं, यहाँ वेद मंत्र हो रही है और इस तरह से भजन हो रहा है, तो वो बनती है बात जहाँ गंगा जी प्रसन्न हो जाते, मैंने प्रकृति, सारी प्रकृति प्रसन्न होके उठती है। आपका ये विशेषता है, आप सबको जोड़ते, जैसे गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा कहते ना, वैसे सबको जोड़ करके आगे बढ़ना, यही है पथ प्रदर्शक का। और इस तरह से पूरी दुनिया में ये संदेश देना, हम सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सिर्फ बोलने से नहीं, वो जीवन में उतरा है, ऐसे करना, ये बड़ी विशेषता है। हमारे पूज्य साध्वी जी भी बैठी हैं, साध्वी जी की तो पूछो ही मत, सबको हंसाते हैं और जोश से भर देते हैं। अब देखिए होश और जोश दोनों से भरे हुए आप प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से जाएं, और इस तरह के मौका जो है ना जीवन में अनमोल क्षण होते हैं, जहाँ आप गंगा जी के तट पर आए, यहाँ पर बैठे आरती करें, ध्यान मग्न हो जाएं, इन क्षणों को जीवन के ऐसे उत्तम क्षण माना जाता है। और वो एक तो बार कहते बस पवित्र हो गए, पवित्र हो चुके हैं हम, या सिर्फ गंगा मैया ही है, ज्ञान गंगा भी साथ में बह रही है। तीन गंगा होती है, भक्ति की गंगा, ज्ञान की गंगा और भौतिक गंगा, ये तीनों का संगम यहाँ है, ये बड़ी विशेषता की बात है। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत मंगल कामनाएं।